नमस्कार फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। आज अलग तरह की सब्जी बन रही है। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते होंगे, शिमला मिर्च, आलू और प्याज मसाले वाले हैं। इसमें मैं टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ और ना लहसुन का। अदरक ज़रूर डालूँगी मसाले के, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। बाद में थोड़ा सा अमचूर डालती हूँ। सब्जी को हम छौंकते हैं हींग और मेथी से, दाना मेथी से। और इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये अदरक है, ये गुलाबी होने तक भूनेंगे प्याज। सब्जी को भी हमने इस तरह से ही काट लिया और ये अच्छे से धो के, जब तक हमारी प्याज भून रही है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, वैसे 1.25 चम्मच के करीब है। प्याज मेरा भून गया, अब इसमें हम ये मसाले डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के तेल रिलीज होने तक इसको इसमें थोड़ा खट्टापन लाने के लिए मेरे को अमचूर ज़्यादा अच्छा लगता है। टमाटर आप डाल सकते हो, टमाटर भी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पाँच मिनट इसे कम से तेज गैस पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे गैस कम करेंगे। और हमारे मेन तो आलू बनने चाहिए ना। अभी बिल्कुल गैस कम कर देंगे तो ये पानी छोड़ देती है सब्जी, कोई सी भी सब्जी है, थोड़ा सा तो तेज पे रखना ही पड़ता है। आप लोग कौन कौन इस तरह से मसाले के शिमला मिर्च और आलू बनाते हैं? बाकी पनीर वगैरह में तो सभी लोग शिमला मिर्च डालते हैं, लेकिन इस तरह से मसाले के शिमला मिर्च आलू कौन कौन बनाता है बताइए ज़रा। आजकल तो हर चीज़ में फैशन चल गया है शिमला मिर्च गाजर का, कि हर एक चीज़ में कुछ भी बना लिया, लेकिन हम लोग तो इस तरह के मसाले की वाली सब्ज़ी हमेशा से बनाते आ रहे हैं। बहुत टेस्टी बनती है। अब इसके संग कोई भी दाल हो, रायता हो, चटनी हो और चपाती हो, बहुत, या पराठे से ये सब्ज़ी खानी हो आपको नाश्ते में, बहुत अच्छी लगती है। अब इसकी गैस थोड़ी देर कम करते हैं, अभी तक ये गैस तेज चल रही है। इस तरह की मसाले की सब्जियों में आपको हरा धनिया डालना है तो अभी डाल दीजिए। इनमें ऊपर से कच्चा हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं थोड़ा सा अभी ही डाल देती हूँ। मैं तो वैसे अवॉइड करती हूँ कि मैं हरा धनिया तो इन हरी सब्जियों में कम ही डालती हूँ। मैंने अभी डाल दिया है हरा धनिया, बस आलू गलने तक हमें इस सब्जी को देखना है, फिर तेज गैस करके और भून लेना है। अभी आलू में कसर है, थोड़ा अमचूर डालते हैं इसमें, बस टमाटर नहीं डालते हैं। आलू भी गल गए, बस तैयार है सब्जी। 2 मिनट और सब्जी बनके तैयार हो गई, बस अब हम इसकी गैस बंद कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाले वाले शिमला मिर्च और आलू, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, बस। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब आप इसको दाल के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए। यदि हमें रास्ते में भी कहीं जाना होता है तो हम ये सब्जी पराठे या सब्जी पूरी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भुन चुकी होती है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मतलब कल तक आप ये इतनी भी सड़ी गर्मी में ये कल तक ये सब्जी ख़राब नहीं होगी।
और आपको टमाटर डालने तो डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर ही डालती हूँ। फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी टेस्टी सब्जी आप लोग बनाते हैं इस तरह की या नहीं, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। बाय बाय, अगली रेसिपी तक के लिए। अब देखिए अगली सब्जी आपके संग कौन सी शेयर करते हैं। बाय।